गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं CGPD रैम का अड्डा 247 का 3 नंबर मॉक टेस्ट। ठीक है, उसमें हम लोग क्वांट सेशन और रीजनिंग सेशन क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग कोशिश करिए इन क्वेश्चन से सीखने का, देखते हैं हमारे कितने नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टार्ट किया स्टार टेस्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं क्वांट सेशन। ठीक, कोशिश करेंगे जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है हम वहाँ से स्टार्ट करें। तो कौन से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे ताकि हम लोग वहाँ पर टाइम बचा सकें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट व्हेन ए डाइस इज रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ 0 बाई 3। एक डाइस को रोल किया, डाइस में 6 पोर्शन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई 0 बाई 6, 1 और 2, तो 2 बाई कितने नंबर ऑफ वो है 6 और 1 बाई 3। लगा के आगे बढ़ेंगे। वन टू डाइस आर रोल 70, दो डाइस को 70 रोल किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस डिविजिबल 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला कि अगर हम लोग दो डाइस को रोल करते हैं तो जो सम आएगा दोनों का वो डिविजिबल 5 होना चाहिए। ठीक है, तो काम करते हैं, हमारे पास टोटल वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल जो वो आएंगी। तो कैसे हो सकता है, आप एक एक को जोड़ सकते हो, नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, चार। ठीक है, तो आप 3 2 और तो 2 3 एक पर वो आ जाएगी, 1 4 ये आ जाएगी, 5 5 ये आ जाएगी, 6 4 ये आ सकता है। ठीक है, और कुछ बन सकता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, यही बनेगा ना। तो टोटल 36 केसेस में आपके पास 1 2 3 4 आए, 4 ये और इसका रिवर्स, तो 8। इसका रिवर्स तो यही होगा, 8 नहीं होगा, 7 होगा, एक कम हो जाएगा ना इसमें से, 7 बाई 36। तो आंसर ये लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ 21। ठीक है, सम ऑफ सीरीज पूछा गया 2 6 10 14 21 तक, 21 टर्न तक। तो एक काम करते हैं, पहले डिफरेंस निकालते कितना, 4 4 4। ठीक है, सिंपल है। तो हम 21 टर्म है ना, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 2 दे रखा है, 21 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना 4, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 2 82, लास्ट टाइम 82 हो जाएगा। सम निकालना, सम का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझना, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक रहा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 21 टर्म्स है, 21 बाई 2। चलिए 2 इंटू 2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 4, लास्ट टर्म निकालने में जरूरत नहीं थी मुझे लग रहा है, 21 बाई 2 4 प्लस 24 2 जा 80, 80, तो 84 हो गया, ये 84 हो गया, 2 से 2 हो जाए, 224 हो गया, 21 इंटू 2, तो 4 2 2 4 4 2 8 0 और 42 2 8 8 82 लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग अ 23 and 71 एज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। टोटल नंबर ऑफ टू टर्म्स आर इक्वल टू, एन दे रखा है मेरे को 10, ए वन दे रखा है 23 और ए एन दे रखा है मेरे को 71। सो फॉर्मूला होता है वैसे तो, ऐसे देखा जाए तो एन बाई 2 ए प्लस ए एन, जो कैसे हुआ, यही फॉर्मला होता है जब हमारे एन मीटर में। तो हो जाएगा आपका 71 प्लस 23 कितना हो गया, 4 8 2 उसको जाए 24, 420 पर आए 4, अच्छा 94 आएगा, 7 8 9 गलत कर दिया भाई, 2 4 8 2 7 14 470 भाई, कम 400। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन हाउ मेनी वेज कैन कमिटी ऑफ 9 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 13। 13 में से 9 को सिलेक्ट करना है, सिंपल, 13 C9 सफल नहीं करना है। ठीक है, ये 13 में से जो चूज करना होता है ना, आप ऐसे 13 C9 13
फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 9 कितना हो गया 4 4 बेटर तो ये हो जाएगा 13 10 9 वाला फैक्टोरियल तो ऊपर कट जाएगा बचेगा 4 3 2 1 ठीक है 4 3 12 12 कैंसिल हो गया 2 5 10 5 कैंसिल हो गया ये आ गया 11 11 वाले ऊपर देखो 11 वाले ऊपर कैसे होता है याद रखने का इसको कि लास्ट वाला लिख दीजिए इन दोनों को जोड़ दीजिए पहला वाला लिख दीजिए 143 143 इंटू 5 5 3 और 15 5 4 20 21 2 5 9 5 6 7 715 लगा के आगे बढ़ेंगे व्हेन दिस इज डिविजिबल पूछा गया 52 प्लस 68 के पावर ऑफ 99 डिविजिबल बाय 69 द रिमाइंडर कितना हो जाएगा देखो 52 ये से कम है तो ये बन जाएगा माइनस 1 की पावर 99 ठीक है और है ना ये से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस 1 पर 99 और माइनस 1 की पावर 99 जो होता है वो माइनस 1 बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 52 बाय 69 इसका रिमाइंडर देखो इससे छोटा ही तो ये तो 52 ही बनेगा है ना इसका जो वो आएगा रिमाइंडर और ये यहाँ से 1 बन जाएगा तो बचेगा कितना 51 लगा के आगे बढ़ेंगे भैया देर नहीं करनी है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं टाइम नहीं देना भैया ज़्यादा अगला क्वेश्चन करते हैं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को रिमाइंडर पूछा गया 2 की पावर ऑफ 180 प्लस 5 की पावर 90 डिवाइड बाई 41 ठीक है तो ठीक देखो क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 241 के पास लेके आते हैं 64 बहुत लंबा हो जाएगा है ना 64 ले लेते हैं तो 2 की पावर ऑफ 432 5 पावर ऑफ 180 5 से 15 5 से 30 ठीक है ऐसा कर सकता हूँ क्या 41 प्लस इधर 5 पर 25 25 125 हो जाएगा 5 पर 25 की पावर ऑफ 245 ऐसा कर सकता हूँ उसको 32 की पावर ऑफ 36 प्लस 25 की पावर ऑफ 45 डिवाइड बाई 41 ट्राई कर रहा हूँ देखो मुझे इसका आंसर भी एग्जैक्टली या तो एक काम करता हूँ इनकी पावर सेम ले लेता हूँ ठीक है ये 90 है 90 18 इसको बना देता हूँ 4 इसको देता हूँ 4 की पावर ऑफ 90 प्लस 5 की पावर ऑफ 90 डिवाइड बाई 41 और ये कोई फॉर्मूला बताता है कि पावर सेम हो तो इसका जो वो आएगा वो इन दोनों का समीशन आ जाएगा 5 4 9/41 9 आंसर नहीं ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सर आगे बढ़ते हैं बाद में करेंगे आगे इसको ठीक है बहुत देर हो गई कलर चेंज करते हैं कलर लाते हैं थोड़ा सा रंगीन कलर लाते हैं रंगीन चलिए हाँ पूछा गया बाय व्हाट नंबर शुड 5 की पावर ऑफ -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बी इक्वल टू 5 पावर -1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई मान लेते हैं जो प्रोडक्ट इक्वल टू 2 पावर ऑफ 1 ये क्वेश्चन है हो जाएगा एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 10 अरे भैया बच्चों वाला सवाल पूछ लिया लगा के आगे बढ़ते हैं फिर द वेरिएंस ऑफ द एज इज 25 फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द वेरिएंस ऑफ द एज इज 25 दो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है समझिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट इज वेरिएंस ठीक है अगर उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो निकल के आएगा 25 का रूट 5 आ जाएगा सर अब बच्चों काम करते हैं कलर में मज़ा नहीं आया चेंज कर लेते हैं क्या बोलती पब्लिक थोड़ा सा रंगीन कलर लेके आता है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्या हो गया यूनिट डिजिट पूछा गया 7 पावर 72 माइनस 3 की अरे 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 72 माइनस 3 9 प्लस 4 16
ठीक है, तो कितना हो गया, 16 में से 9 गए 7, 72 माइनस 7, 72 माइनस 7 कितना हो गया, सोचो जल्दी, 3 इधर, 5, 5 इधर, 6, 65। यूनिट डिजिट पूछी गई आपसे, कितना सिंपल सवाल है भैया, 5, फाइंड द यूनिट डिजिट। गलती कर दी इसमें क्या मैंने, 72 माइनस 39 प्रॉपर 16, और इसमें मैंने चलो ऐसे जोड़ लें, 72 प्लस 16 कितना हो गया, 6, 8, 88, 9, 9। अच्छा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9, 6 ही तो आ रहा है इधर 9, इधर चला गया 79। अच्छा 79 आ रहा है क्या ये, अच्छा प्लस आएगा ये, सॉरी 79 आ रहा है, ओके 9 इधर आएगा, वही मैं कहूँ। चलिए लगा के आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके कंफ्यूज कर देते हैं। पी एंड क्यू वर्किंग टूगेदर कंप्लीट अ वर्किंग, क्यू इज 40% मोर एफिशिएंट देन पी, बोला गया क्यू इज 40% मोर एफिशिएंट देन पी, तो क्यू इज 40% मोर एफिशिएंट देन पी, ठीक है, तो 1.4 आ जाएगा पी से। इफ दे गो गेट द रुपीज टू समय टोटल रुपीज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन विजिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू, जो विजिट होते हैं वो इनकी एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनली तो मिलते हैं। तो हो गया, हमें बोला गया पी प्लस क्यू जो दिया गया वो 600 का होगा, और चलिए पुट कर देता हूँ, 1.4 पी प्लस पी 600, 2.4 पी 600, तो पी इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 2.4, ऊपर चला गया, तो पी आ गया कितना, 250। डिफरेंस पूछा गया है ना, पी 250 आ गया है, तो क्यों निकाल लो यहाँ से जल्दी से, जल्दी कर लो इसको, क्यों निकल, क्यों कैसे आया, अरे अरे हैंग क्यों करा भैया, 600 में 250 गए, जो 600 में से 250 घटा दो कितने हो गए, 0, 5, 4 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3, 350, 350 250 में अंतर कितना गया, 100 का, लगा के आगे बढ़ो, और भी जल्दी कर सकते थे इसको, ठीक है। राज भाई 3 पेन फॉर रुपीज 24 ईच, राज ने 3 पेन लिए फॉर 24 ईच, 24 रुपीज का एक पेन, मतलब एक पेन की कीमत जो है वो 24 रुपीज है, एंड सोल्ड एट 2 फॉर 18 रुपीज ईच, और 2 को बेच दिया कितने में, 18 रुपये में, तो लॉस हो गया ना उसको तो भैया, एंड एक पेन भी चाहे उसने 45 रुपये का, चलो ठीक, 3 पेन है, 3 पेन की कीमत कितनी हो गई, 12, 72, 72 72 रुपये होनी चाहिए थे। अब हुआ क्या, इसने 2 पेन 18 के बेचे, 18, 36, तो इसने एक 36 का बेचा है और एक 45 का बेचा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 6, 5, 11, 4, 3, 8, 81 की, मतलब उसने कितने 9 रुपये ज़्यादा बेचा है, कितने से, 72 से ज़्यादा, कितना परसेंट हो गया प्रॉफिट में, तो है भैया ज़्यादा बेचे, 9, 8, 72, 4 से 2 बार काट दिया, 4 से 25 बार काटा, 2 से 12.5 का प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़ो मार के क्वेश्चन, चेक हावर डिस्टेंस कवर डिस्टेंस ऑफ दिस आवर, इफ ट्रेवल 40 इतने स्पीड चलता है, इफ ही हैज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर स्पीड के, अबे डिस्टेंस का स्पीड यूनिट टाइम, तो 40 × 6 स्पीड यूनिट टाइम, और 4 टाइम दे रखा है और स्पीड निकालनी है, तो 10 चला गया, 60 की स्पीड से जाना चाहिए बंदा, अरे आगे बढ़ो भैया। बाई सेलिंग में कोट पेन चेंज करते हैं, पेन चेंज करते रहना यार, माहौल बना रहना चाहिए नया नया पेन। चलो बाई सेलिंग है कोट ऑफ 630, ठीक है 630 और कोट है, हाँ सॉफ्टवेयर गेन 5%, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, गेन हो गया 105 का, 5 का परसेंट है ना, 200, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, कितना हो गया 630 × 200 / 105, रुक रहा है यार, 400 तो तुम हो करें, 5 किलो 21, 20, 3 बार 30, 600 मार के आगे बढ़ो। पी क्यू आर किसी काम को पी क्यू
किसी काम को 60, 100 और 80 दिन में करते हैं। जे टू गैदर वर्क टू फिनिश द वर्क एंड सी इतना देन पी विल गेट। साठ सौ अस्सी ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 10, 6, 10, 8। जल्दी नहीं ऐसे करता हूँ, 2 3 2 10 2 4 8 5 20 20 60 120 1200 ये तो बहुत बड़ा आ गया भैया। तो 20 12 8 4 5 40 15 ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब देखो टोटल बट कितना है 2 2 5 6, हमारे पास टोटल कितना है 12 ये 20 30 32 42 47 ठीक है 47 हो गया। और कितना चाहिए हमें पी का चाहिए ना 20। देखो अब इसको काटना मुश्किल काम तो नहीं है, अगर ये 50 होता अगर ये 50 होता तो इसको काटता कितने में, देखो ये तो सही वैल्यू आ रही तो इसका मतलब ये कटेगा पूरा मान लेता हूँ। तो 5 5 5 20 2 5 5 25 5 5 मतलब ये कुछ 50 में जाता। अभी कितना 7 7 28 7 35 7 42 7 49 7 56 7 8 56 47 8 बार तो आएगा आएगा और ज़्यादा है तो ये 48 बार जाएगा जी 48 × 20 खत्म 0 8 16 42 8 9 9 60 मार के आगे बढ़ना है समझे कैसे की इक्वल क्वेश्चन। सिक्स की पावर ऑफ 256 माइनस ऑफ 4 की पावर 256 रीजन पूछा गया है ठीक है, जब दोनों सेम हो ना तो ए माइनस बी करते हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है शायद तो आंसर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक एक चीज समझिए, सिक्स का कुछ भी हो सिक्स की यूनिट डिजिट हमें सिक्स आएगी, अब फोर में क्या है फोर का अगर वन होगा तो फोर आएगी, टू होगा सिक्स आएगी है ना, फोर या फोर फोर 16 6 24 4 16 उसकी चार चीज आएगी, मतलब अगर फोर की पावर इवन होगी तो सिक्स आएगी और ऑड होगी तो फोर आएगी, और ये क्या है पावर पावर क्या है इवन सिक्स आएगी तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो आ जाएगा, मार के आगे बढ़ो समझ गया भैया ठीक है आगे बढ़ो। राम इनकम इज 100 मोर देन श्याम, राम की इनकम जो है 100 ज़्यादा है श्याम से, इफ द एवरेज इनकम ऑफ राम एंड श्याम इफ द एवरेज इनकम ये परसेंट वाला दे रखा कितना 850 ठीक है निकाल लो 850 दोगुना कितना होगा 0 5 10 8 2 17 17 यहाँ लिख दो पुट कर दो तो 100 + 2s = 1700 या 1600 हो जाएगा यहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 400 आ जाएगा 400 आ जाएगा। पूछा गया राम की इनकम 400 राम की इनकम 100 ज़्यादा है 500 बढ़ा के आगे बढ़ो, ये का भैया गलत हो गया ये तो तुम्हें तो गलत कर देता हूँ कैलकुलेशन 0 5 2 10 8 16 17 1700 एवरेज इनकम ऑफ राम एंड श्याम 850 ठीक है, राम की वैल्यू 100 प्लस एस रखी मैंने यहाँ पर 100 प्लस एस प्लस एस 100 प्लस 2s इसको 1700 100 इधर चला गया 0 0 6 1600 काटा टू अभी कैलकुलेशन 800 प्लस 100 900 ऐसी गलती नहीं करनी भैया ठीक है सही मिस्टेक कर दे रहा हूँ देख रहे हैं आप कैसी मिस्टेक होती है ऐसे। इफ 177 डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ दिस दिस इज देन द सेकंड पार्ट इज सिंपल है तो फॉलो फॉर 1/2 2/3 4/5 जो इसका एलसीएम होता है उसको पूरे मल्टीफाई कर देते हैं क्या होगा एलसीएम 5 to 10 30 30 मल्टीफाई कर दो ऊपर आया 15 20 30 0 24 और समीशन कितना होगा इसका 15 20 35 35 45 55 55 और 4 55 और 4 59 59 डिवाइड किया 177 से निकालना क्या सेकंड पार्ट जी इतना सोचो कि ये
सेवन कितने में आएगा? 9/11/7 कब आ रहा है? 9/9/2018 थ्री बार, तो 59 थ्री बार ही होगा, ये तीन बार कट जाएगा, ये 3/6/16 हो जाएगा। सोचना ही नहीं है ज़्यादा, बढ़ना भैया आगे पेन चेंज करता हूँ यार। दो पाइप हैं, एक 12 में भर रहा है, 15 में भर रहा है। तीनों गलत है, लो 20-15 सिंपल। देखो 5/20 12 ऐसे ही रह जाएगा, क्या हो गया 5/3/15 4/1 आ गया, 4/3/12 आ गया, 3/1 आ गया, 3/1/12 आ गया, 5/4/20 60 आ जाएगा, 2/3/6 -3 आ जाएगा, 12/5/60 प्लस आ जाएगा, 15/4/60। अब बोला गया कितना भरेगा, 3 खाली करेगा 9 भरेगा, तो 6 का डिफरेंस आ जाएगा 60 पे, तो कितना 10 आ, 10 लगा के सीधे आगे बढ़ना है, पता नहीं है इधर उधर भी नहीं देखना, सीधे लेंथ ऑफ ब्रेथ रखी मेरे 3 और ब्रेथ रखी 4, परिमिट ऑफ रेक्टेंगल 2L+B कितना है 30/40 एक्स है, लेंथ ऑफ ब्रेथ सिंपल मिलेगा क्या, 7x हो जाएगा, 14x हो जाएगा, एक्स वाली 10 आ जाएगी। पूछा गया लेंथ, लेंथ दे रखी है 3x, 30 हो जाएगा, चलो आगे आगे बढ़ना है। आगाज भजन आर्टिकल डिस्काउंट परचेज एक आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ उसमें कुछ खरीदा 20% डिस्काउंट, 20 बेच दिया 20% प्रॉफिट बहुत चालाक है। वॉट इज द रेशियो बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द प्राइस फॉर विच राम परचेज द आर्टिकल, सिंपल है ठीक है। देखो क्या किया उसने, तो ये आर्टिकल था मान लो 100 रुपये का था, उसने 20% डिस्काउंट पर खरीदा, मतलब खरीदा उसने 80 का है ना, और उसने 20% डिस्काउंट पर बेच दिया प्रॉफिट करके, तो 80 का 120% कितना हो गया 96, उसने बेचा 96 का है। तो पूछा गया इन दोनों में रेशियो क्या है, 100 और राम ने जो खरीदा 96 में, और मार्केट प्राइस जो था उसका वो 100, 2/8, 2/16, 50, 25, 24 मार्केट सीधे आगे बढ़ना है। एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 18, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज व्हिच नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 9 नंबर, 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का दे रखा है मेरे को 18 है ठीक है। तो एवरेज बोला गया ना, ठीक है एक काम करता हूँ, चलो मान लो तो नंबर एन है, एन प्लस टू एन प्लस फोर ऐसे चलता जाएगा, पहले मान लो अगर 2 होगा 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा ऐसे ठीक है, डाउट होता हूँ। तो समेशन एनुअल क्या होगा, 9n+2+4+ कितनी बार हो जाएगा, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार करना है, प्लस 16 तक जाएगा ये डिवाइडेड बाय 9 आ गया जल्दी ठीक। तो 9n+ समेशन रोल जल्दी सुन लो, तो 2 कॉमन ले लिया ये 8 तक आएगा, n+1/2 n और 9/2 2 से 2 कट गया 8 और 9/9 9 से 9 कट गया n+8=18 n=10 पहले संख्या 10 होगी, सिंपल था यार, कोई तो टफ दो या कुछ तो टफ दो। ए सोल्ड टॉय टॉय टीवी टू बी, ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर ठीक है, बी सोल्ड सी 15% प्रॉफिट पे, सही धंधा चल रहा है। पढ़ी ए ने कितने खरीदी होगी ठीक है, चलो ठीक है मान लेते 100 की खरीदी, 120 की बेची, 120 की खरीदी 15% प्रॉफिट, 15% 120 से 15% निकालो जल्दी से, 15% 115 बटे 100, ये 100 से कट गया
138 वाली दी कितनी है, 270, मतलब इसकी दुगनी, तो ये सारा दुगना हो जाएगा, 200 और 240। अच्छी 200 पड़ी थी, अबे टिक मारो और आगे बढ़ो, सोचना ही नहीं है आपको। ये 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिस एन 800 मीटर लो प्लेटफॉर्म, ठीक है, खुद की 400 लंबाई उसकी दो, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन 400 दे रखी, 60 व्हाट इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है, 60 को पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकंड में, कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ये करना होता है, 85 60 होता है, 5 5 25 25 होता है, और दोनों की लंबाई 25 आ गया, दोनों की लंबाई कितनी है 800 400 1200, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 25 इंटू टाइम, वही तो निकालना है। अच्छा ऐसा है क्या, 25 चार बार 100 कटेगा, 42 48, क्या बोल रहा है, सिंपल था इधर कांगल भी कर रहा हूँ, 800 प्लस 400 1200, स्पीड निकाली 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूँगा तो 5 बजे 18 हो जाएगा ना, तो 6 3 18 छः, अच्छा 18 5 16 19 कितना कितना गलत करूँगा, कितना गलत करूँगा, 10 से 10 कटा 5, दो बार गया 24 हो गया, 24 हो गया 4 3 12 72, कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है, रमन गोज टू प्लेस, रमन गोज टू ए प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न बैक एट 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर एवरेज स्पीड पूछा गया, ठीक है, 7 से 11 लौट गया, एवरेज स्पीड कितना पूछा गया, ठीक है, तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस, वो कितना होगा 2x लेता हूँ, 2x/7 प्लस x/3, थोड़ा सा रैंक करना ज़्यादा हो गया इसमें, 21 10 2 एक्सेस करता 21/10 42 4.2 आ जाएगा, मार के आगे बढ़ो भैया, पॉपुलेशन कंट्रीट की रेट ऑफ 8% प्रेजेंट पॉपुलेशन 5 8 3 2 0 8% तो बढ़ रही है, मतलब 108/100 फिर से 108/100 अच्छा 2 साल पहले इतनी होगी, अरे यार क्यों कर रहा है, तो x इंटू 108 तो रहेगा आपका 58320 मल्टीप्लाई बाई 1212 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 108, ये कैलकुलेशन करनी है, देखो जल्दी सोचो काटो, पहले जितना हो सके उतना जल्दी काटो, 224 2 4 2 18 2 2 2 0 चौबन से कटेगा गया तो जाएगा नहीं, तो और काट देगा 14 14 2 2 8 2 5 10 2 8 16 0 9 से काटू 9 5 9 4 9 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
फिर 12 540 आ गया। 540 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 100 इंटू 100 आ गया आंसर। देखो को 60 9 18 12 फाइव 65 40 आ गया। पलता थोड़ा सा 12 ईयर एगो द रेशियो ऑफ राहुल एंड एजेस आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द 9% राहुल ठीक है। मान लो 12 साल पहले
अब 12 साल पहले राहुल और दुर्गेश की जो एज है मान लेता हूँ इतनी थी, 5 और 3। अब प्रेजेंट 4 साल, अभी 12 साल ये भी हो गए और 4 साल हो गए, तो ये हो गए राहुल +16, दुर्गेश +16। अरे यार क्यों कर रहा है ये, ज़्यादा उस पर लोड पड़ गया है। ठीक है फाइव एक्स कैसे लेता हूँ, फिर रहेगा 5x, स्विंग कर लेता हूँ 5x और 3x, क्यों लंबा बढ़ाऊंगा। 7 5 35 35 हो जाएगा सर, और ये 16 × 7 फिर 9 7 9 7 9 से 27 हो जाएगा, तो 16 × 9 ये इधर से इधर जाएगा तो 7 तो 9 16 × 2 हो जाएगा, और इधर से जाएगा तो 3 5 8 हो जाएगा, 8 × 2 16 कटेगा और एक्स का जो 4 आ जाएगी। पूछा गया प्रेजेंट टेंस राहुल, राहुल की प्रेजेंट टेंस कितना रहेगी, तो 5 4 या 20, ये 12 साल पहले की उम्र 20 साल है ना, तो अभी कितनी रहेगी, 12 जोड़ दो इसमें 2 3 32 साल लगा के सीधे बढ़ना है, आगे रुकना नहीं। ठीक है चलिए जल्दी करते हैं, है ना। एस सी एफ एनएलसीएम का 2 नंबर था, 12 का था, ठीक है। एस सी एफ एनएलसीएम 2 नंबर का दे रखा है, सम ऑफ दिस नंबर, तो देखो प्रोडक्ट नंबर को मैं माने तो एक्स वाई नंबर है, तो 12 × 72, ठीक है, और सम दे रखा है मेरे को कितना, 60, सम 60 दे रखा है। तो काम करता हूँ, नंबर देख लेता हूँ, 72 काटो, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 12, 24 और 36, क्या ये सम समेशन 60 है, यही तो नंबर है, 24 36 तो नंबर है भाई, नंबर ही निकाल दिया मेरे को। बहुत तेज हो रहे हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है 40%, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है और ब्रेथ देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द ए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ को मैंने 1.4L बना दिया है और ब्रेथ को मैंने 25% 0.75 भी बना दिया। बोला क्या था, ए स्क्वायर जो है पहले एल इंटू बी के बराबर था, हैंग हो गया था भाई सिस्टम, हैंग कर दिया हमने, तो ए स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका एल बी, और नया स्क्वायर हो जाएगा 1.4L × 0.75B। चलो जल्दी 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 जल्दी, 1.4 इसको दिस लिख दिया, इसको मैंने 75/100 लिख दिया, ठीक है 25, तो इसको लिखता हूँ मैं 3/4, इसको 2 7, 7 21/20 एल बी, मतलब ये एक बढ़ गया है 20 में, परसेंटेज पूछा गया ना चेंज, एक बढ़ा है 20 में, 100 में कितना बढ़ेगा, 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी इन द कंबाइंड स्ट्रेंथ फ्रॉम 2016 से 2018, देखो ए का कंबाइनेशन कितना हो जाएगा, 500 400 750, 500 इधर आ गया, 500 1000 हो गया, 1700 हो गया, 1700। बी का कितना हो गया, 600, 5 इधर आ गया, 400 1000 और 600 1600, रेशियो पूछा गया, सिंपल है 17 रेशियो 16, ठीक है। अब हमारे आ गए हैं वर्बल, ठीक है, तो हमारे क्वांट हो गया, क्वांट का क्वेश्चन रह गया वो भी देख लेते हैं, फिर हमारे क्वांट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर पूछा गया 2 पावर 180, फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि मेरे नंबर कितने आए थे इसमें, ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके बाकी सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। 2 पावर 180 और ये हमारा हाफ एन आवर में आराम से हो गया कंप्लीट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी वो हम सुधार लेंगे, आगे से नहीं करेंगे,
टू पावर ऑफ 8 180 प्लस टू पावर ऑफ 90 5 पावर 90 41 बोला गया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैं ऐसे करना चाहता हूँ, 4 की पावर ऑफ 90 प्लस 5 की पावर ऑफ 90 डिवाइड बाई 41। ये इस 90 को ले लेता हूँ, खत्म करो इसको, 5 4 9 है ना, 9 तो 9 है तो 9 आना चाहिए था, लेकिन 41 90 41 कितना कटेगा, तो ये आ जाएगा 9 और 49 49 थोड़ा होगा इसका, 9 नहीं छोड़ लास्ट में, ठीक है मैं बोल बोल करता हूँ, ओके बाय।